शेख, हमारे यहाँ वो एक नदी है, तो उस जी नदी से रेती रेती निकालते हैं लोग, तो हुकूमत परमिशन देती है उसका, जब तो निकलवाते हैं, उसका टेंडर होता है, और जब परमिशन नहीं दे रही है तो लोगों को जरूरत है, और चुपके चुपके लोग निकाल रहे हैं, बेच रहे हैं, तो कुछ लोग उसमें जाके नौजवान अपनी मजदूरी भी कर रहे हैं, तो उसका क्या हुक्म है शेख? तो गवर्नमेंट का है ना? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल ये है कि कोई नदी है जहां से लोग रेती निकालते हैं, और वहां से रेती निकालने के लिए हुकूमत की तरफ से परमिशन लेना होता है, तब आप निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ लोग बगैर परमिशन लिए और चोरी छुपे वहां से रेती निकालते हैं, तो शरीयत में इसका क्या हुक्म है? देखिए, चोरी चाहे किसी खास शख्स की जाए या पब्लिक प्रॉपर्टी की जाए, दोनों ही चोरी है। बल्कि बसा औकात अगर कोई आवामी प्रॉपर्टी है तो ये और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों के हुकूक जुड़े हुए हैं। तो अगर कोई आवामी प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी की कोई चोरी करता है तो ये भी हमारी शरीयत के अंदर हराम है। जब हुकूमत की जानिब से मना है तो उसको लेना बगैर इजाजत के, बगैर परमिशन के, ये जायज नहीं है। इसका शुमार चोरी ही के अंदर होगा, और जो कि जुर्म है। और जो शख्स ये काम कर रहा है उसका किसी भी तरह से तआवुन करना भी जायज नहीं है। जैसे आपने कहा कि कुछ लोग उसमें जाके मजदूरी भी करते हैं, तो अगर उन मजदूरों को मालूम है कि ये चोरी की जा रही है तो वहां पे मजदूरी करना भी उनके लिए जायज नहीं है। खुलासा ये कि बहुत सारे लोग जो ये समझते हैं कि ये मुल्क की प्रॉपर्टी है, इसको ले सकते हैं, ये जायज नहीं है। इसको हक़े आम कहा जाता है शरीयत में। तो जिस तरह से शरीयत ने हक़े खास की हिफाजत की है, उसी तरह से हक़े आम की भी हिफाजत की है। पब्लिक प्रॉपर्टी की भी उसी तरह से हुरमत है। उसको भी बगैर जो सरकारी जिहा है उसकी इजाजत के बगैर उसको भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी जज़ाकल्लाहु खैर। जी खान, शेख, लोगों को जरूरत है, शेख, लोगों को जरूरत है, और काफी दिनों से, कई सालों से परमिशन मिल नहीं रही है, और लोगों को घर बनाने की तो जरूरत है। देखिए, कई ऐसी चीजें होती हैं जहां पे आप मजलूम होते हैं। मैं प्रॉपर इस मसले की बात नहीं कर रहा हूं। कई ऐसी जगह होती हैं जहां आप मजलूम होते हैं, लेकिन मजलूम होने का मतलब ये नहीं है कि फिर आप जालिम हो जाएं, उसके जवाब में आप जालिम हो जाएं। तो अगर हकीकत में हुकूमत की जानिब से कमी है और वो लोगों पर ज्यादतियां कर रही है तो वो उसकी जिम्मेदार है। इससे आपके लिए जायज नहीं होगा कि आप कोई गलत काम करें। उसका जो जायज तरीका है, जो कानूनी रास्ते हैं, वो रास्ते अपनाइए। वहां के सारे लोग मिल करके अगर जो है आवाज उठाएं तो उसकी परमिशन मिल सकती है, कोई तरीका निकल सकता है। उसका ये तरीका नहीं है कि आप गलत रास्ता अपनाएं और चोरी करने लगें।